ऑप्शन सी बोथ एस एन एंड ए आर फाउंड इन द राइट एट्रियम ऑप्शन डी नोडल टिश्यू इज एब्सेंट तो यहाँ पे हमने ह्यूमन हार्ट के रिगार्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है तो चलिए देखते हैं अगर हम बात करें ह्यूमन हार्ट की सो तो जो हमारा जो हार्ट है यानी कि जो ह्यूमन हार्ट है अगर हम बात करें तो सबसे पहला पॉइंट है दैट इट इज़ मायोजेनिक तो जो ह्यूमन हार्ट है दैट इज मायोजेनिक एंड अगर इसके ओरिजिन की बात करें तो इट इज़ मीजोडर्मल इन ओरिजिन तो जो हार्ट है वो ओरिजिन से मीजोडर्मल है देन अगर हम बात करें तो इट हैज़ फोर चैम्बर्स जो ह्यूमन हार्ट है उसमें फोर चैम्बर्स होते हैं एंड देन वन मोर थिंग दैट यहाँ पे एक इसकी कवरिंग है विच इज नोन एज पेरी कार्डियम विच इज फॉर प्रोटेक्शन तो जो हार्ट है उसमें पेरीकार्डियम है जो कि प्रोटेक्शन का इसका फंक्शन है देन वी हैव इसका अगर राइट एट्रियम की बात करें तो जो ह्यूमन हार्ट का राइट एट्रिया और जो राइट एट्रियम है इट कंटेन्स इसके अंदर there is SAN which is sinoatrial node and it contain atrioventricular node जिसको short form में AVN कहा जाता है अब अगर बात करें human heart की तो यहाँ पे एक और चीज है which is nodal tissue तो human heart contain a nodal tissue and अगर हम बात करें nodal tissue की तो nodal tissue क्या होता है ये contract करता है यानी कि इसका काम है contraction का एंड इसकी जो कॉन्ट्रेक्शन है दैट इज सिमिलर टू मसल्स मसल टिश्यू की तरह ये कॉन्ट्रेक्शन करता है तो जो नोडल टिश्यू है इट इज सिमिलर टू मसल टिश्यू देन यहां पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो इसकी कॉन्ट्रेक्शन है इट क्रिएट इट क्रिएट और इट जनरेट नर्व इम्पल्स ये नर्व इम्पल्स जनरेट करने का काम होता है नोडल टिश्यू का ये मसल की तरह कॉन्ट्रैक्ट करता है तो अगर यहाँ पे हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें सो द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी क्योंकि बाकी सारी चीजें हैं जो कि ह्यूमन हार्ट के रिगार्डिंग सही हैं बट पे लिखा गया है कि नोडल इज एब जो कि गलत है बिकॉज यहाँ पे नोडल टिश्यू प्रेजेंट होता है जो कि कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन थैंक यू क्लास सिक्स से लेके नीट आई आई टी चाहिए स्टूडेंट ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नटअप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर